से नाचके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम स्कूल चले हम ओ ओ ओ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसक्यू फाइटिंग क्लासेस। अब हम कम्युनिकेशंस का चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 7 है बेसिकली दैट इज ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन से रिगार्डिंग है। नाउ वी हैव सर्टेन वर्ड्स कॉल्ड ग्रीटिंग्स। बिफोर वी स्टार्ट, ग्रीटिंग मीन्स कैसे होता है कि जैसे आप उन चीज़ों को, जैसे कोई बंदा आपके पास आया तो उसको वेलकम कैसे करते हैं, इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो दैट वी कैन सी बी ए वर्ड ग्रीटिंग। नाउ जैसे ग्रीटिंग कैसे यूज़ करते हैं, देर आर मैनी वेज टू ग्रीट ए पर्सन। बहुत सारे तरीके होते हैं कि ग्रीट करने के। द ग्रीटिंग एंड रिप्लाई टू ए ग्रीटिंग एट वर्क इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीटिंग एंड रिप्लाई गिवन ए फ्रेंड। मतलब जब आप काम करते हैं तो काम की जगह पे ग्रीटिंग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, और जब एज ए फ्रेंड आप बात करते हैं तो वो एक डिफरेंट तरीका होता है। सिमिलरली देर आर मैनी वेज टू से गुड बाय व्हेन यू आर डिपार्ट। जब आप जैसे जाते हैं कहीं भी तो या तो बेसिकली गुड बाय करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। द ग्रीटिंग चेंज डिपेंड अपॉन हु आर टॉकिंग एंड इवन वेन अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे। जो ग्रीटिंग है वो अलग अलग होता है कि आप किससे बात कर रहे हैं, टाइम भी अलग अलग होता है कि किस टाइम पे आप बात कर रहे हैं। तो यही चीज़ें आपके पास बेसिकली शो की गई हैं टाइप ऑफ ग्रीटिंग। तो एक होती है फॉर्मल ग्रीटिंग। फॉर्मल ग्रीटिंग मीन्स आर यूज्ड इन इफ यू से डू नॉट नो द पर्सन। आप पर्सन को नहीं जानते हैं, इट इज़ यूज्ड टू ग्रीट सीनियर्स, कि सीनियर से कैसे बात करते हैं। एल्डरली पीपल और पीपल हु होम वी हैव फॉर्मल रिलेशंस लाइक टीचर्स और कस्टमर, या हमारे फॉर्मल रिलेशंस हैं लाइक टीचर है या कस्टमर है, तो उनसे कैसे बात करते हैं। दिस इज़ यूज्ड मोर ऑफन इन स्कूल्स, कॉलेज एंड ऑफिसेज। और इसको आप बेसिकली कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज या ऑफिसेज में यूज़ करते हैं। जैसे लाइक हेलो, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून में क्या बोलेंगे, हेलो गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। हाय जैसे नॉर्मल क्या यूज़ करते हैं, हाय। हेलो अगर किसी ने कहा तो आप आंसर क्या देंगे, हाय, हे, व्हाट्सअप, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। एंड नाउ फॉर्मल ग्रीटिंग दैट इज सिंपली कुछ एग्जाम्पल्स हैं 1.18 के अंदर। ग्रीटिंग गुड मॉर्निंग एवरीवन, रिप्लाई क्या आएगा, गुड मॉर्निंग मैम। नेक्स्ट वन गुड मॉर्निंग सर, देन नेक्स्ट वन गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो सर हाउ आर यू, आंसर इज वेरी वेल थैंक यू, हाउ आर यू, अगेन पूछो आपसे हाउ आर यू टीना। जैसे स्पेसिफिक बंदे से पूछा गया तो हाउ आर यू टीना, आई एम डूइंग वेल, हाउ आर यू सर, देन उसने भी पूछा कि हाउ आर यू सर। दैट इज़ अ फॉर्मल। इनफॉर्मल जब आप फ्रेंड सर्कल के साथ मिलते हैं तो नॉर्मली क्या यूज करते हैं, हे, आंसर इज हेलो या हाय, हे हाउ आर यू डूइंग, हाय आई एम डूइंग ग्रेट, हाय गुड टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो दैट इज़ अ बेसिक इनफॉर्मल ग्रीटिंग। ग्रीटिंग अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंगली कैसे यूज़ करेंगे। जैसे फॉर्मली जो 11:59 AM है उससे पहले जो टाइम होता है उससे आप क्या यूज़ करते हैं, गुड मॉर्निंग। 12 AM टू 5 PM गुड आफ्टरनून, एंड आफ्टर द 5 PM टू मिडनाइट वी कैन से ए गुड नाइट। तो दैट इज़ अ बेसिकली ग्रीटिंग। अब नाउ इंट्रोडक्शंस टू योर सेल्फ एंड अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्टूडेंट्स, कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं और दूसरों को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे लाइक एक एग्जांपल है नीचे, जैसे जो टेबल गिवन है 1.16, आई एम अमन, दैट इज उस बंदे ने बताया कि मैं अमन हूँ। आई एम राहुल फ्रॉम आगरा, दूसरे बंदे ने क्या बताया कि मैं क्या हूँ, राहुल हूँ, कहाँ से, आगरा से। थर्ड वन माय नेम इज टीना, आई एम इन क्लास 8th, थर्ड वन इंट्रोडक्शन हो गया। फोर्थ वन हाय आई एम अनु, आई लाइक क्रिकेट, ये फोर्थ वन इंट्रोडक्शन हो गया। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है अपना इंट्रोडक्शन देने में। इन द इंट्रोडक्शन आप अपना शहर का नाम, आप अपने इंटरेस्ट, आप अपनी क्लास का नाम, वो सब चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट, वी कैन इंट्रोड्यूस समवन टू अदर बाय टेलिंग देयर नेम, व्हाट दे डू, हाउ वी नो देम। मतलब अगर दूसरे बंदों को आपको इंट्रोड्यूस करना तो कैसे यूज़ करेंगे, उनके नाम से, आप उनको कैसे जानते हैं, वो क्या करते हैं, एंड इवन बाय द डिस्क्राइब समथिंग इंटरेस्ट अबाउट देम, और उनका कुछ इंटरेस्ट भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं।
तो ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर चैप्टर नंबर 7। ये हमारा बेसिकली जो चैप्टर है आज, वो इस चीज से रिगार्डिंग है कि आप अपना इंट्रो कैसे देंगे, कि आप इंट्रोडक्शन देना सीखेंगे अपना। तो जब आपको इंट्रोडक्शन देना आ जाएगा तो आप बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि हाउ टू यू कैन बी स्पीक विद कॉन्फिडेंसली। तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू विल बी डूइंग दम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है बुक के अंदर, उन चीज़ों को आप कंप्लीट करें।